वीवी का इस्तेमाल जो होता है दो चीजों में होता है। पहला होता है कि आप एक लेंथी वर्क कर रहे हैं उसमें, और एक आपका एक रिपीटेड वर्क है उसमें, जैसे एक काम को आप बार बार आपको करना होता है, छोटा सा काम आपने लिया उसको बार बार करना होता है आपको, और हर दिन उस पर आपको घंटा दो घंटा का टाइम वेस्ट होता है। ऐसे कामों को वो विद इन सेकेंड में कर देता है, विद इन सेकेंड। बिल्कुल लेकिन वो जॉब रिपीटेड होना चाहिए। कोई एक काम आपको एक बार आया और चाहे आप बोले कि मैं इसको रिपीट कर दूं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही बार तो आया है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखने का क्या फायदा। लेकिन एक ही बार आया है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है, तो क्या होगा, आप वीवी प्रोग्रामिंग लिखते, क्योंकि मैनुअल करने जाएंगे तो काफी टाइम लगने वाला है, हाँ समझे। जी जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं कि वीवी का आखिर यूज क्यों, क्या होता है, आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 5 सीट क्रिएट किया है और 5 सीट में एक डेटा डाला है। डेटा का टाइप सेम है बट हर सीट पे अलग अलग डेटा है। अब प्रॉब्लम है कि 5 सीट का डेटा जो आया है, अब मुझे इस पे पिवट वगैरह लगाना है, तो ये पिवट वगैरह का प्रॉब्लम हो गई कि अलग अलग सीट में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको कुलेट करना है एक सीट पर, कॉपी करना है यहाँ पे रख के पेस्ट करना है, देन अगेन इसको कॉपी करना है, फिर सॉरी सीट टू को कॉपी करना है, इसके नीचे पेस्ट करना है। अब ऐसे मान लीजिए आपके पास अगर 100 शीट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, हाँ जी हाँ जी क्या आप एक ही कॉपी पेस्ट करना, और दिक्कत हो सकती है कि आप डिलीट विलीट ना कर पाए, या आपके साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके पास डेटा बहुत बड़ा है। जब करते हैं मैनुअल काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पुराना डेटा, कुछ डेटा छूट जाते हैं या कुछ डब्ल्यू रिपीटेड हो जाते हैं, तो कहने का मतलब कि आप मैनुअल करेंगे तो आपके पास एरर के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। मैनुअल वर्क करेंगे तो एरर के चांसेस 100%। रहेंगे रहेंगे हाँ जी हाँ जी तो हम कैसे करेंगे, वीवी के थ्रू। तो हमें जाना होगा डेवलपर, डेवलपर आपके पास डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको एक्सेल ऑप्शन से अनेबल करना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट अनेबल करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल इसी में आपको वीवी प्रोग्रामिंग है, जिसको आप बिना डेवलपर टैब लाए भी अल्ट एफ11 प्रेस नहीं कर करेंगे सकते। तो एक आपको यहाँ पे आ जाएगा, एक ठीक है ठीक इनबिल्ट है होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करके यहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं, देखिए जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का कोडिंग है और एक्सेल से रिलेट करता है। हमने यहाँ पे एक कॉपी नाम का, कॉपी डी के नाम से डेटा बना दिया, ठीक है, एक मैक्रो बना दिया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा कमांड दिया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट -1। सिंपल आपका इंग्लिश है और एक्सेल से रिलेट करता है, तो उसको समझना भी आसान। शीट्स आई और सेलेक्ट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट डायरेक्ट कॉपी, कॉपी शीट्स, डेटा शीट्स में वापस आएंगे, डेटा डॉट एक्टिवेट, या सिलेक्ट एक्टिवेट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद रेंज A65000 डॉट एंड एक्चुअली सबसे लास्ट में जा रहे हैं ना, कॉपी तो लास्ट में होगा ना, एक के नीचे होगा, और हम ऑप्शन करते हैं ताकि हम अगली एक ब्लैंक रो पे चले हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो ये चीजें क्या है ये हम आपको क्लास में समझाएंगे, फिलहाल देखिए कितना इजीली हम लाइट कर रहे हैं। एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, तो फिर MSG बॉक्स डेटा
कॉपी कंप्लीट ओके बन गया। ये आपका मैक्रो तैयार। अब हमें करना क्या है, बस जाना है अपने माइक्रोज लिस्ट में। देखिए कॉपी डी का मैक्रो आ गया ना। मैं इसको रन करूंगा और रन करते हैं विद इन सेकेंड में। देखिए पांचों सीट का डेटा इसने कॉपी पेस्ट कर दिया डेटा शीट। इसके लिए हमने प्रोग्राम है। अब इसको रन करने के लिए हम माइक्रो से यहाँ पे हम माइक्रो से रन कर लें डेवलपर में, या इस पे शॉर्टकट बना दे या किसी बटन पे क्लिक कर ले तो इसको रन करने के वेर मांगते हैं। तो अभी प्रोग्रामिंग हमने किया क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको हर दिन या महीने में या कॉपी करना पड़ता 500-600 पेज में दिक्कत होती है, हमें इसका एक परमिशन चाहिए। वी हैव क्रिएट माइक्रो, दिस इज द वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसी के लिए यूज करते हैं। अब इसके थ्रू क्या क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहला आता है माइक्रो प्रोग्रामिंग, दूसरा आता है इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, तीसरा आता है आपका फंक्शंस में फॉर्मूले वगैरह बनाना, तीसरा जो आपका आता है वो आता है यूजर फॉर्म। तीसरा क्या आता है? यूजर फॉर्म। तीसरा यूजर, तीसरा चौथा मामा कीजिएगा, तीसरा तो आपका फंक्शन है फॉर्मूला क्रिएशन, और चौथा जो आपका आता है यूजर फॉर्म आता है। अब इसकी कोर्स को देखने के लिए अभी जो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे गए थे उसी पे जाइए। मेरे पास देखिए दो तरह के क्लासेज है। पहली क्लासेज जो है वो हमारा लाइव क्लासेज है, जो कि अभी आप मेरे साथ जो ले रहे हैं दिस इज द लाइव सेशन, और ऐसे में आपको पढ़ाऊंगा, बैच में 1-3 लोग ही होते हैं। दूसरा आता है वीडियो क्लास। अभी भी आपने मेरा ऐप डाउनलोड किया है ना सर, या रजिस्टर किया होगा, तो ऐप के अंदर जो होगा मोबाइल ऐप के थ्रू चलेगा, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो हम रिकॉर्डेड क्लास के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लाइव क्लासेस पे आते हैं। लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है, जिसकी ड्यूरेशन आपका 45 आवर्स मिनिमम है। ये आपका 45-55 घंटे की होती है। तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिया 45-50 घंटे की कोर्स है, एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है। हालांकि मेरे पास इसके लिए फास्ट ट्रैक भी है, बट फास्ट ट्रैक उनके लिए होता है जिनको इंटरव्यू वगैरह देना है या वीवीए के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, डीप में नहीं जाना चाहते हैं या कोई एग्जाम देना है, उनके लिए होता है। या पहले से वीवीए आता है भूल गए थोड़ा सा ब्रशअप कर, उनके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 45-50 घंटे का कोर्स को 6-8 घंटे हम डालेंगे तो बहुत चीज छोड़ेंगे। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा होगा या सैटरडे संडे 1.5-2 घंटा होगा। टाइमिंग भी डिपेंड एवरेज है, डिपेंड करता है क्लास के टॉपिक पे। फीस इसकी पड़ेगी 10,000 रुपीज। इसकी कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहे तो यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और उसके अंदर आप इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या कवर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 5 टॉपिक है, माइक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्रिएशन, यूजर फॉर्म एंड अदर एप्लीकेशंस। इसके डिटेल में दी गई टॉपिक्स आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, क्लासेस जो है आपका 1-3 बैच साइज में होगा, 1-3 बच्चों के साथ होता है। आप भी अकेले हो सकते हैं, आपके साथ कोई भी हो सकता है। इसमें जो फीचर्स है एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूँ। मेरी वेबसाइट में क्लास के वीडियोज आपके यहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ बुक्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेगा एंड फ्री रीजॉइन। मतलब कि आप जो चीजें सीख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, तो उस केस में हम इसके लिए आपको रीजॉइनिंग फीचर देते हैं कि दोबारा आए और कोर्स को रिपीट कर ले। अब इसी के रिकॉर्डेड सेशन में आते हैं, तो यहाँ वीडियो क्लास में यहाँ पे करेंगे तो मेरे इस पे app.iptindia.com पे चले जाएंगे। हालांकि इसके आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं आपने प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आपको वहां पे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करना पड़ेगा, तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ऐप। ठीक है, ऐप से फायदा रहेगा कि वीडियोस को ऑफलाइन मोड में कर देंगे तो इंटरनेट के बगैर भी उसको यूज कर सकते हैं, बार बार उसको देखना है तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके स्टोर में अगर आप जाते हैं तो आपका कोर्स दिखेगा, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये आपका वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग ए वाली कोर्स है। इसको ओपन कीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको कोर्स दिखेगा एक्सेल वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसके कंटेंट में आप आते हैं,
तो इसमें तकरीबन 112 वीडियोज है। अब वीडियोज की साइज ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 5 मिनट की है, ये वीडियोज की साइज आप देखेंगे तो आपके 48 मिनट 49 मिनट 57 मिनट 1 घंटे ऐसे साइज है, पूरी कंप्लीट टॉपिक से इसमें। ओके और वीडियोज नए भी है और पुराने भी है, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग तो पुराना होता नहीं है, लेकिन जो अपडेट हो रहे हैं, देखिए ये हमारा इमेन माइक्रो था प्रोजेक्ट था, हमने कुछ और प्रोजेक्ट हमने नई वीडियोज है, आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन से कुछ दिन पहले अपडेट किया, तो इसमें हर हफ्ते वीडियो अपलोड होते हैं। इसकी 10 साल की वैलिडिटी है, सिस्टम मोबाइल दोनों पे देख सकते हैं, टेलीफोनिक सपोर्ट है। अब आपको डिपेंड करना है कि आप जो है लाइव क्लास पे आना चाहेंगे या रिकॉर्डिंग क्लास पे जाना चाहेंगे। बट आप लाइव क्लास अभी तो जब मैंने फोन करा आप 7500 बता रहे थे राइट, तो सर एडवांस नहीं 7500 तो मैंने आपको एडवांस एक्सेल की बताया है, आपको जो चीज वेबसाइट पे मेंशन है सर, एडवांस एक्सेल की क्लासेस जो होती है वो 7500 की क्लासेस है। और अच्छा, मतलब उसमें वीबीए उसके अंदर वीबी इंक्लूड नहीं है? नहीं वीबी इंक्लूड नहीं है, जब वीबी इंक्लूड करते हैं तो इसकी फीस आपको 3000, वीबीए सिर्फ करते हैं तो 10,000 है। एक्सेल वीबी देखिए इस कोर्स को लेते हैं तो आपका 7500 का है, इस कोर्स आपका 3000 का, ये जो कोर्स लेते हैं जो कि 125 घंटे का है कंप्लीट एमआईएस, इसमें आपका एक्सेल भी है, वीवीए भी है, एक्सेस भी है, सिक्वल भी है, एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन भी है, डैशबोर्ड भी है और पावर बीआई भी है इसमें। लेकिन पावर बीआई इसमें पूरा नहीं है बट उतना जिससे आप रिपोर्ट बना सके, ठीक है? ठीक 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 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, समझ गई तो एक कोर्स मैं ठीक है एक बार वेबसाइट से गो थ्रू करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, ओके थैंक यू।